हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह ब्लर कर सकते हो। किसी भी वीडियो का, शॉर्ट वीडियो का, किसी भी लॉन्ग वीडियो का आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो इजीली। अगर आपके फोन में वीडियो बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर से इजीली मिल जाए। कपकट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह यूज कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे फोन में वीडियो बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं होता लेकिन फोटो बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कब एप्लीकेशन से अपने वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह ब्लर कर सकते हो। तो आपको सिंपली इस तरह की कोई भी वीडियो शूट कर लेनी है और कपकट एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेनी है। इसके बाद मैं प्रोसेसर आपको कपकट एप्लीकेशन पर अपने फोन की स्क्रीन पर चलकर बताते हैं। सो नाउ, अगर चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। मैं इस तरह की वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। सो गाइस, हम अपने फोन पर आ चुके हैं। सिंपली हमने कपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाकर हमने वो वीडियो ले लेनी है जिसका हमने बैकग्राउंड ब्लर करना है। ये वीडियो ले लेता हूँ जिसका मैंने बैकग्राउंड ब्लर करना है। सो ऐड कर लेता हूँ इसको। सो सिंपली आप ये वीडियो देख सकते हो, इसका कोई बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। इसको ब्लर करने के लिए, इसका बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हमने इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाकर वीडियो इफेक्ट में जाना है। वीडियो इफेक्ट में जाकर हमने बेसिक पे जाना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट हमने बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो इसके लिए हम आप बहुत से इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। मोशन ब्लर हो गया, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन हमने सिंपली ब्लर यूज़ करना है। तो ये वाला ब्लर हमने ले लेना है। इस पर क्लिक करूँगा, टिक पर क्लिक करूँगा। सो आप देख सकते हो ब्लर हो चुका है। आपको जितना ब्लर चाहिए आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। सो एडजस्ट पर जाना है और हम बिल्कुल ब्लर चाहिए या आपको हाफ ब्लर चाहिए, जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो मुझे इतना ब्लर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो इसको फुल कर देना है। सो मुझे इतना ब्लर चाहिए, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सो मैंने सिंपली टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद हमने बैक चले जाना है, फिर से बैक चले जाना है। और इसके बाद हमने ओवर लेयर पर जाना है। यहाँ पर ओवर लेयर आपको नज़र आ रही होगी, इस पर सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद ऐड ओवर लेयर पर जाना है और हमने वो वीडियो ले लेनी है जो हमने पहले ही इंपोर्ट की थी। सो सिंपली ये वीडियो थी वो, इसको मैंने ऐड कर लेना है। आपको फुल स्क्रीन करनी होगी, ये आपने यहाँ से फुल स्क्रीन कर देनी है। यहाँ पर फुल स्क्रीन हो चुकी है और इसके बाद हमने नीचे जाना है और यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड को देखना है। यहाँ पर ये रिमूव बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, इस पर सिंपली हमने क्लिक करना है और आपको यहाँ पर परसेंटेज नज़र आ रही होगी, परसेंटेज। सो इसको मुकम्मल होने देना हमने, ये परसेंटेज आपको नज़र आ रही होगी, ये इसको मुकम्मल होने देना हमने रिमूव बैकग्राउंड के आगे जो आपको फीसद नज़र आ रही है। सो वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। हम सिंपली प्ले करके चेक कर लेते हैं कि हमारी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर हुआ या नहीं। सो आप देख सकते हो बड़ी स्मूथ और बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। इस तरह से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा ब्लर चाहते हो तो इफेक्ट पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो हमने ब्लर वाला इफेक्ट लगाया था उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडजस्ट ऑप्शन आ रहा होगा, इसको हमने सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हमें कितना ब्लर चाहिए। सो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा, मुझे जितना चाहिए मैं उतना ब्लर लगा लूँगा और आप अपने हिसाब से लगा लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, मैंने दरमियाना ब्लर लगाना है क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ लगे, क्यों स्मूथ तो है इसका ब्लर, आप यहाँ से देख सकते हो। सो मैंने यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर अपना यानी स्मूथ लग रहा है मुझे, तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। आप वीडियो देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, वीडियो में कोई कमी नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो का भी बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, बट मैंने आपने समझाने के लिए एक छोटी वीडियो ली है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो इस तरह आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। वीडियो का आखिर में जो आपको ये कपकट का लोगो नज़र आएगा, आप इसको भी हाइड कर सकते हो, इसको भी रिमूव कर सकते हो। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर ये आपका कपकट का लोगो शुरू होता है, यहाँ से आपने क्लिक कर देना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद ये पार्ट डिलीट हो गया और इसके बाद आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो सिंपली हमने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो मैंने 30 FPS पर अपनी वीडियो शूट की थी, मैं अपनी 30 FPS पर ही रखूँगा और 1080p में मैंने इसकी रेजोल्यूशन थी। अगर आप चाहते हो तो 2K या 4K में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं 1080p में ही एक्सपोर्ट करूँगा। सिंपली आपने एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है।
सो ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होने लगी है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता एक्सपोर्टिंग में, बहुत फास्ट होता है इसका एक्सपोर्टिंग। सो आपने डन कर देना है यहाँ से। तो गाइज़ मैंने इसकी कलर ग्रेडिंग करी है इसी कपकट एप्लीकेशन में। अगर आप इसकी भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करो। गाइज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। इस तरह की वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स लेकर आता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।